हम यहाँ से बस लेने वाले हैं और यहाँ से हमको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन का बस मिल जाएगा। चलो जी, अभी मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर है, ये भी आपको टिकट निकाल के आसानी से दे देंगे। तो लगभग हमें 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम भैया को कोई अनजान है ऐसे आए, जैसे और हम लोग चल के आए थे। इसके लिए आप लोगों से माफी चाहती हूँ, तो आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। तो हेलो एवरी गुड मॉर्निंग, तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए टूर पर। और देख सकते हैं मैं रेडी होकर घर से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ उत्तराखंड। आप लोगों को पता है काफी दिन से मुझे कमेंट आ रहा था कि जो आप किसी टूर पे नहीं जा रहे हो, आप अपने घर के आसपास की चीज दिखा रहे हो। तो फाइनली हम निकल गए हैं उत्तराखंड के लिए और इस बार का टूर काफी लंबा होने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीछे टोल प्लाजा के पास में आ गया है क्योंकि हम यहीं से बस लेने वाले हैं और यहां से हमको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन का बस मिल जाएगा। हम बस में बैठ गए हुए हैं रेलवे स्टेशन के लिए, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के लिए जाती है। तो हम लोग जाते हैं पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, फिर हम लोग ट्रेन का टिकट लेंगे। चलो जी, अभी मैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ। देख सकते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है और मैं चलता हूँ अभी टिकट काउंटर पे टिकट कटाने के लिए, क्योंकि मेरा ट्रेन लगभग 10 बजे करीब में है। तो इधर देख सकते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और टिकट कटवाते हैं। और सामने लिखा हुआ है कौन सा ट्रेन कितने बजे है और ट्रेन का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इधर टिकट काउंटर है, तो चलिए पहले टिकट कटवाते हैं। चलिए, हमने टिकट ले लिया है। ये देख सकते हैं 265 रुपया का टिकट पड़ा है, जो काठगोदाम के लिए जाती है, हावड़ा टू काठगोदाम के लिए जाती है। उसमें हमने ट्रेन ले लिया और हमारा जो ट्रेन है 2 नंबर पर आने वाली है। तो चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर और टाइम 10 बजे करीब है, तो चलते हैं पहले 2 नंबर पर और वेट करते हैं ट्रेन का। इधर देख सकते हैं काफ़ी मशीन भी लगा हुआ है, जो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। अगर टिकट काउंटर पर से नहीं ले सकते हैं, तो आप खुद से यहाँ पे टिकट काट सकते हैं। अभी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको ना भी आता है करने तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी आपको टिकट निकाल के आसानी से दे देंगे। अभी हम टिकट कटा के जो है से यहाँ पे आ गए हुए हैं और हमारा ट्रेन जो है से 2 नंबर पर आने वाला है। और अभी समय 8:30 हुआ है और 10 बजे का ट्रेन है, तो लगभग हमें 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू आता है। तो चलिए फाइनली दोस्तों, हम ट्रेन में बैठ गए हुए हैं। देख सकते हैं हम ऊपर का सीट ले लिए, क्योंकि नीचे भी खाली था, लेकिन हमने सोचा कि चलिए ऊपर ले लेते हैं ताकि ऊपर में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, आराम से सो के भी जा सकते हैं, पूरे ट्रेन खाली है। फाइनली हमारा ट्रेन आ गया हुआ है, 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा है और आ गया हुआ है। और अब यहाँ से ट्रेन निकलेगा, तो चलिए ट्रेन के अंदर में चलते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है और ट्रेन भी पूरा खाली है, अभी त्यौहार का समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा खाली चल रहा है। जो पटना और हाजीपुर को आपस में कनेक्ट करती है, इस पर रेलवे चलता है और सामने देख सकते हो उधर से गाड़ी भी चलता है। काफ़ी मात्रा में गेहूँ करते हैं, तो चलो जी, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ। और हमारा ट्रेन आकर लग गया हुआ है, अभी हम हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में। अभी हम लोग यहां से एग्जिट करेंगे टुक टुक लेकर, फिर हमको जाना है सरकारी बस स्टैंड और फिर हम आपको बताते हैं वहां से कहां चलना है। तो चलो भाई साहब, फाइनली हमें टुक टुक मिल गया है रोडवेज के लिए, जो यहां सरकारी बस को रोडवेज बोलते हैं। तो फिलहाल हम वहां चलते हैं, फिर देखते हैं वहां पे कौन सी गाड़ी मिलती है, कैसे, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम अभी सितारगंज आ गए हुए हैं। रोडवेज हम लिए थे रेलवे स्टेशन के पास से और वो हमें ला कर यहाँ सितारगंज छोड़ दिया है। इधर देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे गोल चक्कर है, इसके पास लाकर छोड़ दिया। और इधर लिखा हुआ है वेलकम टू सितारगंज, तो सितारगंज में लाकर बस वाले ने मुझे छोड़ दिया है। और एक भाई मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ से खटीमा भी जा सकते हैं, जो 25 किलोमीटर है, टक्कनपुर यहाँ से 51 किलोमीटर है, चंपावत 135 किलोमीटर है। तो एक भाई मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे होस्ट हैं, तो हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। वो 5 मिनट के अंदर में पहुँच जाएँगे, फिर देखते हैं यहाँ से किधर निकलना है। बाकी बात, यहाँ का व्यू देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अभी हम वहाँ पर सामने वेट कर रहे हैं, वो बस स्टैंड है, वहाँ पे भाई लेने के लिए आ जाएंगे मुझे, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, वो आ ही रहे हैं। तो चलो जी भाई साहब, फाइनली लेने के लिए मुझे आ गए निखिल भाई। हम लोग 6-7 महीना पहले मिले थे और अभी फाइनली हम इनके साथ जा रहे हैं इनके घर पे। फिर सितारगंज चौक पे हम उतरे थे, बस वाले ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था, फिर उन्होंने यहाँ से लेकर आया था और ये इनका घर है।
और ये इनके घर के एंट्री गेट है, और यहाँ से अंदर जाने के बाद काफ़ी प्यारा घर बना रखे हैं इन लोगों ने। और मैंने इनके वाइफ से भी मिला, इनके मम्मी पापा से मिला, काफ़ी प्यारे लोग हैं लोग। एक घर है इनका, फिलहाल हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं और शाम को प्लान करते हैं। काफ़ी थक गए थे ट्रेन में, तो अभी देखते हैं कैसे क्या करना, अभी कुछ प्लान नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्टे करते हैं, चाय पानी पीते हैं, मुँह धोकर। चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये निखिल भाई है, हम लोग को गोरखपुरिया भोजी के मेटअप में मिले थे, और भाभी जी हैं जो ये भी वहाँ पर गए थे, और इन लोगों ने काफ़ी मतलब वहाँ पर हम लोग घुल मिल गए थे इतने कि फाइनली एक पहचान के बाद दूसरी पहचान हमारी यहाँ पर हो रही है। और मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हम भैया को कोई अनजान है ऐसे आए हैं जैसे, और हम लोग चल के आए थे। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम मिले थे गोरखपुरिया भोजी के मेटअप में, गोरखपुर में मिले थे, और हम लोगों ने उस समय कांटेक्ट नंबर लिया था, और आज फाइनली हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। और आगे जो भी ब्लॉग होगा इनके साथ होगा, क्योंकि हम अभी यहीं पे स्टे करने वाले, फिलहाल ट्रेन के थके हुए हैं, तो हम वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल आएगा वीडियो में क्या होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आए का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में हर एक चीज हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं, और आए का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर।